मीरा शंकर जी, बताइए कि भारत ने जितना इन्वेस्टमेंट किया वहां अफगानिस्तान में, मैं 2014 के चुनाव कवर करने गई थी काबुल, इसके अलावा मजार शरीफ देखा वहां, किस तरह से पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने से लेकर स्कूल बनाने से लेकर अस्पताल बनवाए, ब्रिज बनवाए, इसके अलावा सड़कें बनवाई, इतना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की वहां के विकास में। अब जबकि चीजें बिल्कुल बिखरती हुई नजर आ रही है, यानी कि कोई अश्योरेंस नहीं है इस बात का, इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनके जाने के बाद उनकी समस्याएं क्या थी उनके वहां रहने की, हमने उस पर भी चर्चा की, लेकिन उनके जाने की भी अपनी समस्याएं हैं कि वहां किस तरह की इंडस्ट्री अब लगेगी, क्या वहां पे इंडस्ट्री का जो विश्वास है वो बहाल होगा, वहां पर क्या एक जिस तरह कहा जाता है कि मेन स्ट्रीमिंग होगी, क्या मुख्य धारा में वापस आएगा अफगानिस्तान, ऐसे में भारत का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है? हमें जो है तालिबान को इंसेंटिव देना चाहिए कि वो इंक्लूसिव सरकार बनाए, दूसरा कि अपनी जो पुरानी नीतियां हैं वो नहीं अपनाए, और थोड़ा मॉडर्न आधुनिकता की ओर अफगानिस्तान को ले जाए, क्योंकि अफगानिस्तान का विकास उसी में है। और ये किस तरीके से होगा वो तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो अभी अनफोल्ड कर रही है, किस दिशा में जाती है किसी को नहीं पता, खाली स्पेक्युलेशन है अभी, और जिस दिशा में जाती है उसी के मुताबिक फिर नीतियां बनेंगी। अगर तालिबान मॉडरेशन की ओर जाता है तो एक बात है, अगर तालिबान एक इंक्लूसिव सरकार बनाता है तो एक बात है, और अगर तालिबान अपनी पुरानी नीतियां अपनाता है तो दूसरी बात है। मतलब ऐसे मुझे लगता है कि कोई साफ नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि तालिबान के अंदर भी कई फैक्शंस हैं। आपकी बातचीत हो रही थी, एक तरफ तो ये लोग हैं मुल्ला बरादर जैसे, जो अंतरराष्ट्रीय बातचीत कर रहे थे, डिप्लोमेसी कर रहे थे, और दोहा कतार में रह रहे थे, और वहां से उनकी सबके साथ बातचीत चल रही थी। तो एक तरीके से ये थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड नजर आते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, हकानी ग्रुप है और हैं जो बिल्कुल वायलेंस अपनाते हैं, तो इनके अंदर भी क्या सहमति बनती है तालिबान में, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ये मोनोलिथ नहीं है, जी और ये भारत को भी मान के चलना चाहिए। अगर हमें एक मोनोलिथ की तरह तालिबान को ट्रीट करते हैं तो मेरे ख्याल से ये तो एक सिंपलिस्टिक नीति हो जाती है। और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अफगानी जो हैं इतिहास में हमेशा बड़े नेशनलिस्टिक रहे हैं और किसी के दबाव में नहीं आए हैं, और जो हमने वहां पे विकास किया है वो अफगान की जनता के लिए किया है, सरकार के लिए भी था पर जनता के लिए था, क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट्स करी थी वो जैसे डैम बनाना, बिजली लाना काबुल के लिए, स्कूल्स बनाने, पार्लियामेंट बनाना, छोटी छोटी लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करना, और जो आप पहले बात कर रही थी ना कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स वहां पे रही हैं खास तौर से अमेरिका की, उनमें वेस्टेज बहुत था, करप्शन बहुत था, और जो इंडिया की जो प्रोजेक्ट्स थी इनमें इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा था, खर्चा कम था, ऐसा नहीं कि हमारे ही कंसल्टेंट्स पे सारे पैसे निकल रहे थे, जो कि ये एक निंदा थी अंतरराष्ट्रीय असिस्टेंस की कि जी अपने ही कंसल्टेंट्स को दे देते हैं। तो एक तरीके से भारत के प्रति अफगानिस्तान में काफी एक तरीके से अफेक्शन है। बीबीसी का भी पोल था जो कहता था कि 70% अफगान जो हैं वो भारत का एक बहुत पॉजिटिव इमेज लेके रखते हैं। बिल्कुल, तो और हमें ये भी देखो देखना पड़ेगा कि मैं मेरा हमारी नीति आगे क्या अफगान रहेगी। जनता को भी लेके चलना पड़ेगा कि किस कैसे हम उनको भी थोड़ी राहत दे सकते हैं,
और ये भी देखना पड़ेगा कि तालिबान किस दिशा में जाती है, जी हाँ, तो अभी बड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मीरा शंकर जी, आप तो अफगानिस्तान को भी जानती हैं, लेकिन उससे बेहतर आप यूनाइटेड स्टेट्स को जानती हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया को सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है कि देखिए जो तालिबान है वो इतना ताकतवर है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हरा दिया। कई लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब ये हम मानते जरूर है कि अफगान जो कौम है वो बहुत बहादुर होती है, और ये भी बात सच है कि वहां पर बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतों के कब्रिस्तान बन गए हैं, ग्रेवयार्ड बने हैं वहां पर बड़ी बड़ी जो दुनिया की ताकतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल ऐसा लगता है कोई वीडियो गेम जैसे खेल रहा हो कि कुछ हजार लड़ाकों ने अमेरिका के सारे फौजियों को ध्वस्त कर दिया, और जिन नेशनल जो आर्मी थी अफगानिस्तान की जिनको ट्रेन किया पिछले 20 साल में उनको भी ध्वस्त कर दिया। ये आप क्या ये हमें बता सकती हैं कि कोई एक इंटरनल डील थी कि एक के बाद एक बिना खून खराबे के शहरों को एक तरह से लांघते चले गए, फांदते चले गए तालिबान? पहले भी अगर आप देखें इतिहास की बात करें, जब तालिबान पहले दफे भी आया कई जगह तो लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई थी, और उन्होंने जो प्रोविंशियल वॉरलॉर्ड्स थे या मुजाहिदीन के और लोग उनको खरीद लिया, और ये अफगानिस्तान की के इतिहास में अक्सर रहा है कि बिना लड़ाई के सत्ता पलट गया है और लड़ाई भी चलती रही है। मुझे ये लगता है कि अमेरिका में एक तरीके से आम सहमति बन गई थी कि अफगानिस्तान से निकल के आना है, क्योंकि 20 साल हो गए थे और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। ऐसा नहीं था कि स्थिति सुधर रही थी या सुधरने के आगे जाके कुछ पॉसिबिलिटी थी। तो अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट्स, दोनों में सहमति बन गई थी कि निकल के आना है। और अगर आप देखें तो ट्रंप ने ये शुरू किया और एकदम से अनाउंस किया कि हमारे जो जितने सैनिक हैं वापस आ जाएंगे। उन्होंने तालिबान से बातचीत करी और पीसफुल समझौते का दावा दिया और कहा कि हम निकल जाएंगे, पर पीसफुल समझौता होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। पर अगर ये सीरियस थे अमेरिका तो पीसफुल समझौता पहले होना था और फिर इनको निकलना था, मतलब एक प्री कंडीशन ये लगाते ना, एक तो सीज फायर का, तालिबान सीज फायर करे। इन्होंने खाली ये कहा कि हिंसा की घटना कम होंगी, मतलब वो ठोस सीज फायर तो रहा नहीं। तो एक तरफ से तो लड़ाई चलती रही तालिबान से, इस बीच में हिंसा के घटने होते ही रहे। दूसरा ये कि अगर समझौता होगा तो हम निकलेंगे, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के ऊपर समझौता होगा, या ऐसे लगेगा कि समझौता होने की संभावना है तो हम निकलेंगे, उससे पहले हम नहीं निकलेंगे। तो एक ये भी प्री कंडीशन लगा सकते थे, वो नहीं किया ट्रंप ने। बल्कि मेरे को लगता है कि जलमे खलीलजाद का जो मैंडेट था वो यही था कि जल्द से जल्द किसी तरीके से तुम निकल आओ। और जब बाइडन प्रेसिडेंट बने, इन्होंने तो पहले भी अपोज किया था जब ओबामा प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक सर्ज किया था कि और सैनिक भेजेंगे, और उस समय बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इनका एक इकलौता वॉइस था जो मीटिंग में ओबामा के सामने इन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं है वहां पे और सैनिक भेजने से, बल्कि ये हम गलत कर रहे हैं जी। और अगर आप और पीछे जाती हैं तो गलतियां तो जॉर्ज बुश से शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने जब तालिबान की सरकार को हटाया, एक तो तालिबान को भाग के पाकिस्तान में दोबारा से जमा होने दिया, दूसरा कि अफगानिस्तान से नजर हटा के इराक के दलदल में फंस गए, वहां पे लड़ाई लड़ने लग गए। तो अफगानिस्तान की जो जिम्मेदारी थी इन्होंने करीब करीब पाकिस्तान को सौंप दी जी, और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं क्या कर रहा था। मीरा शंकर जी, ये बताइए कि जहां ये मैंने जैसे शुरुआत ही अपने कार्यक्रम की इससे की थी कि कैसे अंधेरा दिन माना जा सकता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं चाहे वो भारत में हो चाहे अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, उन्हीं को एक तरह से सत्ता में होने का लीड करने का, हम फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हर देश में अलग अलग तरह की विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग सरकार में शामिल हों वो प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हों, प्रगतिशील
एकता की तरफ आगे लेके जाएं देश को, और कम से कम तालिबान के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अब मैं पश्चिमी दुनिया की जो हिपोक्रेसी है, जो उनका दोहरापन है, मैं उसकी तरफ आना चाहती हूँ। कई बार आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि दरअसल अमेरिका ने भी कुछ ठेकेदारों को अफगानिस्तान में ठेका दे दिया कि लीजिए आप विकास कर लीजिए, लीजिए आप प्रगति कर लीजिए वहां की, और सुपरफिशियल तरीके से देखा और एक ऑक्यूपाइंग फोर्स की तरह ही वो रहे वहां पर, चाहे वो अंधाधुन तरीके से वहां गोलीबारी करनी हो। मुझे याद है कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी कि किस तरह से अफगानी वहां एक शादी का जश्न मना रहे थे और वो बंदूकें वहां पे चला रहे थे, गन शॉट, सेलिब्रेटरी गन शॉट्स थे वो, और ऊपर से बमबारी कर दी गई उस शादी पर। तो इस तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया गया अफगानियों को, और इसीलिए शायद एक तबका जरूर ऐसा है जो ये कह रहा है कि जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है उसको खदेड़ दिया गया और अब अफगानियों की जो सत्ता है, जो हुकूमत है, वो उनके हाथ है। कुछ इस पर भी बात करिए जो हिपोक्रेसी रही है वेस्टर्न वर्ल्ड की और खासकर अमेरिका की। वो तो रही ही है, क्योंकि देश के अंदर घुस के और फिर आपने वहाँ पे हार मान ली और निकल गए बिना कुछ स्थिरता लाए, बिना कुछ विकास लाए, बिना कुछ इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए। पर ये भी है कि बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। किसी को अपने सेना के बल से हटाना तो आसान काम है, पर उसके बाद में देश को, एक बिछड़े हुए देश को जिसमें इतनी सारी लड़ाइयां हैं आपस में, उसको बनाना बहुत मुश्किल काम है। और अमेरिका ने मान लिया कि उनसे नहीं हो सकता। ये भी एक बात है कि अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास देखें तो जो भी बाहरी शक्ति वहां आई है, विदेशी शक्ति वहां आई है, वो अफगानियों ने उसके खिलाफ लड़के उसको निकाल के छोड़ा है। जब कोई विदेशी शक्ति नहीं होती है तो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो ये आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। और जैसे कि मनोज ने बोला कि ये एक बहुत नाजुक मोड़ है, किस तरफ तालिबान सरकार जाएगी, उसकी नीतियां क्या होंगी, ये देखना पड़ेगा। और दुनिया की नजर है इस पे, गौर है इस पे, क्योंकि अगर वो अपनी पहली जैसी नीतियां अपनाते हैं कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, स्कूल में नहीं पढ़ सकती, जो स्कूल में जाएगा उसको मार देंगे या गाना बंद कर देंगे, या ये जो जो भी इन्होंने किया था, जो सजा जो देते थे खुलेआम स्टोनिंग की और ऐसे पनिशमेंट्स जो देते थे, अगर ऐसा ही इन्होंने अपनाया तो फिर मुझे लगता है कि इनको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, कोई रिकग्नाइज शुरू में नहीं करेगा। हो सकता है पाकिस्तान, चीन, रूस कुछ करें, क्योंकि इन्होंने तालिबान की हिमायत भी करी है, पर अमेरिका और यूके और भारत सरकार खुद ने कहा है कि अगर तालिबान जबरदस्ती अपने बंदूक के बल से सरकार बनाती है तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। नीति रखेंगे। मीरा जी, मेरा पुराना सवाल ये था कि क्या अपना दामन झाड़ सकते हैं इस तरह से जो बाइडेन कहे कि देखिए मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ट्रंप ये फैसला लेके चले गए थे, मैंने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट किया है, क्या इतना काफी है उनका दामन निचोड़ लेने के लिए? अगर मेरे से पूछे तो ये सही नहीं है, और इनको थोड़ा और ऑर्डरली ढंग से ट्रांजिशन करना था पर नहीं किया। और बाइडेन के लिए भी एक समस्या थी, क्योंकि जब अमेरिकी सैनिक 2,500 के करीब ही बच गए थे, ट्रंप ने बाकी तो सारे निकाल ही लिए थे, तो उनको ये फैसला करना होता कि अब हम अपने सैनिक और दोबारा से भेजें और बढ़ाएं। और इसके लिए मेरे ख्याल से ये सोचना भी चाहिए पड़ता कि अगर हम बढ़ाते भी हैं तो कब तक, और इसका कुछ दूसरा नतीजा निकल सकता है कि नहीं जी। मतलब नतीजा यही निकलेगा तो जब भी हम जाएंगे तो ये होगा। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ट्रंप ने बाइडेन के हाथ भी बांध दिए थे, और बाइडेन की खुद की भी यही राय थी कि जल्दी से जल्दी निकला जाए। अगर मेरी आप निजी ओपिनियन पूछते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा और खींच के
इनको करना था, और जो बातचीत हुई उसमें ये कहना था कि जब तक पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होता ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के लिए, तब तक अमेरिकी फौज वहां बैठी रहेगी और फिर निकल जाएगी, जिस दिन ये होता है समझौता हम निकल जाएंगे। तो एक तरीके से एक इंसेंटिव बन जाता उसके लिए, पर वो उन्होंने नहीं किया, सीज फायर पे नहीं जोर दिया। और बाद में जब ये तो खैर ट्रंप के जमाने में, और जब बाइडन आए तब भी इन्होंने दोबारा से ट्रंप के जो नतीजे थे दोबारा से नहीं देखे, खाली सितंबर, मई से सितंबर तक बढ़ा दिया था विथड्रॉल डेट। ट्रंप ने तो कहा था मई तक सारे हमारे सैनिक वापस आ जाएंगे।